हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। हम ओवरहेड चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास में जो कि 2015 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखना ताकि आपका अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन में जो हमें कैलकुलेट करना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इसमें दिया है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द प्रोडक्शन ऑपरेशन। प्रोडक्शन ऑपरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है फॉर द ईयर 2030। भी मशीनिंग डिपार्टमेंट, थ्री डिपार्टमेंट है, मशीनिंग डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट और उसके बाद में फैक्ट्री ऑफिस, उसके बाद में यहाँ पर हमारा टोटल आ जाता है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मशीनिंग डिपार्टमेंट में 1 लाख है और असेंबली डिपार्टमेंट में 50,000 है। फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो हमारे टू पार्ट्स में है। ए है जो कि ट्रेसेबल है, मतलब जिसका ब्रेकअप हमें गिवन है डिपार्टमेंट वाइज। मशीनिंग डिपार्टमेंट का 92,000 है, असेंबली डिपार्टमेंट का 53,000 है, फैक्ट्री ऑफिस का 41। उसके बाद आता है नो ट्रेसेबल, जैसे कि रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, मतलब इनका ब्रेकअप गिवन नहीं है। वो कितना है टोटल हमारे पास में? 10,000। यहाँ पर बोला है कि द फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द थ्री डिपार्टमेंट, ये जो ऊपर थ्री डिपार्टमेंट दिए हुए हैं इनका फ्लोर स्पेस जो ऑक्यूपाइड किया हुआ है वो इन द प्रोपोर्शन ऑफ 6:3:1 है, ठीक है। यानी कि जो हमें रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है, ये हमारा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? जितना जितना उन्होंने ये स्पेस ऑक्यूपाइड किया हुआ है इस रेशो में, 6:3:1 के अंदर। फैक्ट्री ऑफिस इज अ सर्विस डिपार्टमेंट, ये जो फैक्ट्री ऑफिस है ये हमारा कौन सा डिपार्टमेंट है? सर्विस डिपार्टमेंट है। एंड इट्स कॉस्ट इज अपोर्शन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट। और जो हमारी फैक्ट्री ऑफिस की जो कॉस्ट आएगी ये हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है, और इसकी जो हमारी कॉस्ट आएगी वो हमें किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है? लेबर कॉस्ट के अंदर, लेबर कॉस्ट के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी कि मशीनिंग और असेंबली में ये जो हमें लेबर कॉस्ट दी हुई है इस रेशो में, इसका रेशो कितना हो जाएगा? 2:1। यानी कि जो हमारा फैक्ट्री ऑफिस का जो कॉस्ट आएगी वो हमें लेबर कॉस्ट मतलब 2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है मशीनिंग और असेंबली डिपार्टमेंट में, ठीक है। चलिए आगे करते हैं कि द मशीनिंग डिपार्टमेंट ऑपरेट्स ऑन अ 40 आवर्स वीक। जो हमारा मशीनिंग डिपार्टमेंट है उसमें बोला है कि वो 1 वीक इज इक्वल टू कितने आवर्स वर्क करता है? 40 आवर्स, ठीक है, ये गिवन है। और ईयर में 1 ईयर इज इक्वल टू कितने वीक होते हैं? टोटल 52 वीक होते हैं, ठीक है। यानी कि उसके बाद बोला है कि देयर आर द 5 मशीन इन द डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट के अंदर हमारी कितनी मशीन है? 5 मशीन है। यानी कि अगर हमें टोटल आवर्स निकालना है तो टोटल आवर्स हमारा कैसे निकल जाएगा? हमें बोला है कि 1 वीक में 40 आवर्स है, टोटल 52 वीक होते हैं, और कितनी मशीन है? टोटल 5 मशीन है। तो यहाँ पर हमारे टोटल आवर्स हो जाएंगे 10,400 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि एंड एवरी मशीन, एवरी मशीन मतलब 1 मशीन जो है हैज रिमेन्ड आइडल फॉर 280 आवर्स इन 2013 फॉर द रिपेयर्स। रिपेयर्स करने के लिए हर एक मशीन जो है वो 280 आवर्स जो है वो आइडियल रहती है, ठीक है। उसके बाद है हमें क्वेश्चन में ये निकालना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स फॉर द मशीनिंग डिपार्टमेंट। मतलब मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए किस पे बेस करता है? वो मशीन आवर्स पर। और जो हमारा असेंबली डिपार्टमेंट है वो किसके ऊपर बेस करता है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। चलिए पहले हम नंबर 1 पॉइंट कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? अपना ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी।
हमने ये तीनों लिख दिया है, मशीनिंग डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट, फैक्ट्री ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लिखेंगे क्या, पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ गया। सबसे नंबर वन हम लिखेंगे क्या, हमारा क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स है, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखेंगे। जो ट्रेसेबल है वो तो हमारा सेम आ जाएगा, 92, 53, 41। ठीक है, ये हम लिख देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो हमारा क्या है, ट्रेसेबल है। कितना है, 92,000 है, उसके बाद में 53,000 है, देन 41,000 है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो हमें क्या दिया हुआ है, रेंट एंड टैक्सेस दे रखा है, जो नॉट ट्रेसेबल है। ठीक है, रेंट और टैक्सेस है 10,000 है, 6:3:1 में हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, रेंट एंड टैक्सेस 6:3:1। ठीक है, 10,000 को हम इसमें करेंगे तो ये आएगा 6,000, 3,000 एंड देन 1,000। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, टोटल आ जाए 98,000 है, 56,000 है, 42,000 है। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। अब यहाँ पे बोला है कि जो हमारी फैक्ट्री ऑफिस की कॉस्ट है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है मशीनिंग और असेंबली डिपार्टमेंट में, किस रेशो के अंदर करनी है, वो लेबर कॉस्ट के रेशो में करनी है। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में बोला था। हम यहाँ पर लिखेंगे रीअपोर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ऑफिस कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ लेबर कॉस्ट। ठीक है, ये कितना है, 2:1, 2:1 ही था। हमने यहाँ पर देखा था 1 लाख और 50,000 का रेशियो जो आएगा वो 2:1। ठीक है, तो यानी कि 42,000 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके रेशो में करेंगे 2:1 में 28,000 यहाँ पर आ जाएगा और 41,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इन सब का टोटल कर देते हैं। टोटल हमारे पास में कितना आ जाएगा, 98 28 करेंगे तो 1,26,000, इसको करने पर आया 70,000, देन यहाँ पर आया हमारे पास में ये निल हो गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ये हो गया हमारा, नेक्स्ट चीज हमें क्वेश्चन में, यहां तक का हमारा पूरा पार्ट हो गया है। यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है, मशीन आवर। ठीक है, हम मशीन आवर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर। ठीक है, मशीन आवर इज इक्वल टू, हमें बोला था कि 40 आवर्स है 1 वीक में। ठीक है, मल्टीप्लाई कितने वीक होते हैं ईयर में, 52 वीक होते हैं। मल्टीप्लाई कितनी मशीन है हमारी, टोटल 5 मशीन्स है। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, इन सब का मिला 10,000, 4 आवर्स हमारा ये टोटल हो गया। अब हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट बोलता है कि जो यहाँ पर है, जब रिपेयर होती है मशीन तो हर एक मशीन में, एवरी मशीन मतलब वन मशीन जो है वो कितना आइडियल टाइम लेती है, 280 आवर्स। ठीक है, वन मशीन का 280 आवर्स है, तो यहाँ पर ही हमने टोटल 5 मशीन का लिया है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे लेस नॉर्मल लॉस, जो कि किसकी वजह से हुआ है, आइडियल टाइम। ठीक है, वो हमें कितना दिया हुआ है, 80 मल्टीप्लाई 5 करेंगे इज इक्वल टू कितने आवर्स आ जाएंगे, 1,400 आवर्स। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये सॉल्व करने पर नेट आवर्स आ गए कितने, 9,000 के, ये हमारे इफेक्टिव आवर्स आ गए, इफेक्टिव आवर्स ये हमारे कैलकुलेट हो गए। हमें क्वेश्चन में मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना था, मशीन आवर रेट। ठीक है, मशीन आवर रेट, मशीनिंग डिपार्टमेंट जो होता है ये किसके ऊपर बेस करता है, मशीन आवर पर। ठीक है, मशीन आवर रेट निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, जितनी हमारी टोटल
मशीनिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट आई है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने हमारे टोटल क्या है आवर्स है, टोटल मशीन आवर्स, उसका टोटल आया कितना 1,26,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,26,000 डिवाइडेड बाय कितना 9,000। इसको सॉल्व करने पर आंसर आया कितना ₹14 पर आवर। ठीक है, ये हमारा मशीन आवर रेट निकालना था हमें। यहाँ पर देखो कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर पर बेस करता है। उसके बाद है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर असेंबली डिपार्टमेंट। अब असेंबली डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो कितनी है 70,000, और ये किसके ऊपर बेस करता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर। तो असेंबली डिपार्टमेंट की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास में यहाँ पर कितनी दे रखी है 50,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या नेक्स्ट आ जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेट, लेबर कॉस्ट रेट इक्वल टू इसका फॉर्मूला होएगा जितनी हमारी कॉस्ट आई है उसकी टोटल कॉस्ट, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे लेबर कॉस्ट से मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये आया 70,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करने पर आंसर आया कितना 140%। ठीक है, असर्टेन द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ अ जॉब परफॉर्म्ड इन द फैक्ट्री विच हैज मटेरियल कॉस्ट कितनी दे रखी है 5,000, लेबर कॉस्ट है 1,000 एंड द टाइम बुक्ड इन द मशीनिंग डिपार्टमेंट में कितना है 200 आवर्स एंड असेंबली डिपार्टमेंट में कितना है 70 आवर्स। ठीक है, ये 70 दिया हुआ है हमें। वन जॉब इसमें लिखा है ना, अ जॉब, एक जॉब के लिए हमें फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यानी कि हम यहां पर लिखेंगे सेकंड पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। यहां पर हमारा रुपीस में अमाउंट आ जाएगा और ये हो गया पर्टिकुलर्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो मटेरियल की कॉस्ट होती है उसमें हम प्लस करते हैं क्या जो हमारी लेबर की कॉस्ट होती है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फिर हम इसमें प्लस करते हैं क्या जो हमारा फैक्ट्री का ओवरहेड्स होता है। ठीक है, ऐसे यही हमारा परफॉर्मा होता है। अब सबसे पहले हम मटेरियल की कॉस्ट लिख लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना यहाँ पर 5,000 और लेबर कॉस्ट दे रखा है 1,000। ठीक है, ये हो गया हमारा 5,000, देन 1,000, टोटल आया 6,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स दो उस पर है हमारे, फैक्ट्री ओवरहेड्स डिपार्टमेंट है, टू डिपार्टमेंट है, एक तो है मशीनिंग डिपार्टमेंट, दूसरा है असेंबली डिपार्टमेंट। ठीक है, मशीनिंग डिपार्टमेंट में कितने आवर्स है 200 आवर्स थे, और जो हमारा असेंबली डिपार्टमेंट था उसमें कितने आवर्स थे 70 आवर्स थे। मशीनिंग डिपार्टमेंट का जो हमने रेट कैलकुलेट करा यहां पर वो कितना है 14। ठीक है, 14 था, 14 पर आवर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 14 रुपीज पर आवर, 200 मल्टीप्लाई 14 करेंगे ये आया 2,800। अब असेंबली डिपार्टमेंट 70 आवर्स दिया है पर इसका कोई हमारा यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि असेंबली डिपार्टमेंट का जो हमारा रेट दे रखा है वो डायरेक्ट लेबर रेट कॉस्ट के बेस पर है। वो कितना है, जितनी हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जितनी हमारी लेबर कॉस्ट है उसका 140% है। ठीक है, लेबर कॉस्ट हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखी है कितनी 1,000, यानी कि जो हमारा 1,000 ये जो लेबर कॉस्ट है इसका 140% क्या आ जाएगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स असेंबली डिपार्टमेंट के लिए। तो इसका आंसर कितना हो गया 1,400। ठीक है, अभी इन सबका टोटल कर देंगे, टोटल आया 10,200, ये हमारी क्या हो गई फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन।
होप सो आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन को दोबारे से अच्छे से पढ़ना, कुछ भी डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।